स्वागत है स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि में से कौन सा सही है? देखो सबसे पहले हम तुमको यहाँ समझाना चाहेंगे कि कंप्रेशन क्या है और रेयर फैक्शन क्या है तो कंप्रेशन वो पॉइंट है जहां पर हमारा प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाएगा और रेयर फैक्शन वो पॉइंट है जहां पर हमारा प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाएगा तो कहीं कहीं पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी कंप्रेशन मतलब कि मॉलिक्यूल्स के नज़दीक आ जाने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और कहीं कहीं किसी जगह पर मॉलिक्यूल्स के दूर जाने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ गए हैं तो फिर डेंसिटी भी बढ़ गई होगी अगर प्रेशर घट गया है मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए हैं तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई होगी दैट मीन्स की डेंसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये तो गलत हो गया सेकेंड है बॉयल्स लॉ इज ओबेड सबसे पहली बात कि जब साउंड वेव एयर के थ्रू ट्रेवल करेगा तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा अब ये आइसोथर्मल क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें कि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो वर्क कर रहा है तो टेम्परेचर का चेंज यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय गैस हो रहा है तो वर्क डन बाय गैस जो हो रहा है उसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता लेकिन ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होगा टेम्परेचर यहाँ पर कंप्रेशन और रेयर की वजह से चेंज कर जाएगा और बॉयल्स लॉ ये कहता है कि पी वी इज कॉन्स्टेंट पी वी कॉन्स्टेंट कहने का मतलब कि पी वी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है इस वजह से बॉयल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है तीसरा बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर ऑसिलेट्स अब एक बात जो सबसे कंफ्यूजिंग बात स्टूडेंट को लगती है वो थर्ड पॉइंट में लगती है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो बल्क मॉडुलस है वो वेरी करेगा विद दी स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ दिफिक मीडियम मीडियम में अगर मान लो कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं जैसे कि प्रेशर या फिर टेम्परेचर का चेंज हम कर रहे हैं तो वहां पर जो बल्क मॉडुलर्स है वो प्रेशर के बढ़ने की वजह से बल्क मॉडुलर्स यहाँ बढ़ेगा ठीक है अब तुम बोलोगे सर कहीं प्रेशर बढ़ा था कहीं प्रेशर घटा था तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये इतने रैपिड चेंजेस हैं और इतने स्मॉल ऑसिलेशन में हो रहे हैं कि इसके लिए जो ओवरऑल बल्क मॉडुल ऑफ द मीडियम है वो चेंज नहीं करता है और बल्क मॉडुलस निकालने के लिए यहाँ पर जो प्रेशर इंक्रीज हुआ और जो प्रेशर डिक्रीज हुआ इसका एवरेज वैल्यू ले करके बल्क मॉडुलस निकाला जाता है ओके okay? तो इसलिए इस यहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ऑसिलेट्स ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर बल्क मॉड्युलस ऑफ द मीडियम कांस्टेंट ली जाएगी ओके तो प्रेशर चेंज होने की वजह से यहां पर हमारा स्मॉल वेरिएशन हो रहा है प्रेशर में जिसकी वजह से बल्क मॉड्युल वेरी करता है बट यहाँ पर हमें एवरेज प्रेशर लेना है एवरेज चेंज इन प्रेशर लेना है और उसके हिसाब से बल्क मॉडुलस ऑफ द एयर या मीडियम निकालना है तो बल्क मॉड्युलस को कांस्टेंट माना जाएगा और इस वजह से यह भी गलत है तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट देखो जो भी टेम्परेचर चेंज हो रही थी मीडियम में वो बिकॉज ऑफ दी वर्क डन बाय दी गैस हो रही थी ना कि हीट ट्रांसफर विद दिस सराउंडिंग सराउंडिंग से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा प्रोसेस यहाँ पर एडियाबेटिक होगा और जो भी टेम्परेचर चेंज होगा वो बिकॉज ऑफ डन बाई द गैस होगा और नो ट्रांसफर ऑफ हीट विद दिस सराउंडिंग तो इस वजह से यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है एक बात तुम और यहाँ पे याद रख सकते हो जो तुमको पढ़ाया गया होगा लैपलेस करेक्शन लैपलेस करेक्शन देखो एक्चुअल में न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था जिसके हिसाब से उन्होंने मीडियम को आइसोथर्मल प्रोसेस मान करके वो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था बट वो गलत हो गया था क्योंकि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहे थे स्पीड ऑफ साउंड की तो न्यूटन के दिए हुए फार्मूले से वो करेक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहे थे तो फिर बाद में उस फॉर्मूला को यहाँ पर करेक्ट किया गया और फिर लैपलेस का करेक्शन आया और उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया गया गामा पी रो पहले न्यूटन ने बोला था कि वीक्वस पी बाई रो होगा इन्होंने प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लिया था बट फिर इससे जो वैल्यू आ रहा था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं हो रहा था तो फिर लैपलेस ने बोला कि नहीं नहीं मीडियम आइसोथर्मल नहीं होगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा मीडियम में बल्कि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा और डेल्टा क्यू जीरो होगा और उस हिसाब से उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था तो उस हिसाब से भी तुम बोल सकते हो कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट तो आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ पाए होगे थैंक यू